कमलनाथ सरकार में वन मंत्री उमंग सिंगार के बयान से कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। गौरतलब है कि वन मंत्री उमंग सिंगार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जुबानी जंग भोपाल से लेकर दिल्ली तक छाई हुई है, लेकिन इन दोनों की जुबानी जंग का फायदा भाजपा उठा रही है। देखिए ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगाने वाले उमंग सिंगार कमलनाथ मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अब उनको तय करना है कि यदि उमंग सिंगार ने सही बोला है तो उन्होंने तत्काल दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। यदि वो अवैध शराब का व्यवसाय कर रहे हैं तो तत्काल उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने ये कहा है। और यदि उन्होंने झूठा कहा है तो कमलनाथ जी को उमंग सिंगार जी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अब कमलनाथ जी के पाले में गेंद है, क्योंकि दोनों ही यदि दिग्विजय सिंह जी अवैध शराब का व्यवसाय कर रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर अवैध शराब का व्यवसाय करें।